बैतूल परासिया स्टेट हाईवे पर 6 जून को जंगल में बंजारी माई के पास मिले बुजुर्ग महिला के शव के मामले का खुलासा हो गया है। बुजुर्ग महिला की हत्या बेटी और दामाद ने की थी। शव पॉलीथीन में लपेट कर कार में रखा और रानीपुर के जंगल में फेंक आए थे। बड़ी बहन से बोली, हम लोग नर्मदा स्नान करने गए थे, वहां मां नदी में बह गई है। आरोपियों ने नर्मदापुरम में महिला की गुमशुदगी तक दर्ज करा दी थी। हत्या 5,89,000 रुपए के लालच में की थी। पाथाखेड़ा की रहने वाली 60 साल की भागीरथी झरबड़े की बेटी और दामाद के पुलिस ने जब बयान लिया तो वे थोड़ा हड़बड़ाए। पुलिस ने थाने ले जाकर जब सख्ती से दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि भागीरथी छोटी बेटी उषा और दामाद करण वाइकर के पास 1 महीने से रह रही थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने गांव की जमीन 5,82,000 रुपए में बेची थी। ये रुपए उन्होंने उषा के खाते में जमा करवा दिए थे। भागीरथी की 2 बेटियां हैं, इसीलिए तय किया था कि रकम दोनों में बराबर बांट देंगे। यह बात उषा को बताई तो वह गुस्से में आ गई। बोली, जब वह उसके साथ रह रही है तो फिर आधी रकम दे दी रेखा पाटिल निवासी पाथाखेड़ा को क्यों देगी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 29 मई को मां बेटी में जमकर विवाद हुआ था। गुस्से में उषा ने बड़ा पत्थर उठाकर मां के सिर पर मार दिया था। पत्थर लगते हुए बेहोश होकर गिर गई। पति के साथ मिलकर लाश को पॉलीथीन में लपेटा और कार में रखकर बंजारी माई के आगे पीपल खूंटा की ढलान में फेंक दिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए 1 जून को कोतवाली थाने पहुंचकर नर्मदापुरम में गुम होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। वहीं जब बहन ने पूछा तो बता दिया कि मां के साथ नर्मदा नहाने गए थे, जहां वह नहाते समय नदी में बह गई थी। ये राशि बढ़ जानी चाहिए, लेकिन जो छोटी बेटी थी जिसके घर में वो रह रही थी, उसका ये कहना हुआ कि नहीं, ये राशि पूरी मुझे मिलना चाहिए। और इसी बात को लेके माँ और बेटी में लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान ही बेटी ने माँ के सर पे पत्थर दे मारा। वो एकदम मूर्छित हो गई थी। फिर इसको पति ने भी ब्रूटल मर्डर करके इसको पॉलीथिन में लपेट के बोरी में भर के अपनी गाड़ी में रख के और फॉरेस्ट एरिया में इसको डिस्पोज ऑफ किया रोड के किनारे। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है, राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।